दोस्तों, पिछले साल हमने देखा कि किस तरह से बीएमसी, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड, इन सभी की जो लड़ाई कंगना रनौत के साथ हुई थी, उसमें जो सबसे ज्यादा खामियाजा किसी को अगर भुगतना पड़ा था तो वो थी कंगना रनौत। कंगना रनौत जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी एक्टिव थी, कई मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर वो बोल रही थी, तो इस बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और कंगना के बीच में काफी नोकझोंक हुई थी। और नोकझोंक इस नतीजे पर पहुंचा कि बीएमसी ने कंगना रनौत का जो मनी करने का ऑफिस था उसे गिरा दिया, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। वो जो मुआवजे वाली बात है कि कंगना रनौत को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ अभी कोर्ट के बीच में ये मामला चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि इस साल जो मामला कंगना रनौत और बीएमसी के बीच चल रहा था, वो ट्रांसफर होके सोनू सूद के पास आ पहुंचा है। यानी पिछले हफ्ते जो हमने खबर दिखाई थी कि सोनू सूद के ऊपर जो बीएमसी ये आरोप लगा रही है कि सोनू सूद ने एक रिहायशी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया है अपने होटल में, 6 मंजिला होटल है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब इस बात को लेकर कोर्ट में ये बात कही जा चुकी है। कोर्ट ने ये कह दिया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक सोनू सूद के ऊपर बीएमसी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना करे, जिस तरह की कार्रवाई कंगना रनौत मामले में बीएमसी ने की थी। तो अब बीएमसी ने एक और बात कही है सोनू सूद के बारे में, वो कुछ इस तरह से है। बीएमसी का ये कहना है कि सोनू सूद एक आदतन अपराधी हैं, जो पहले 2 बार तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद जुहू में एक रिहायशी इमारत में अवैध निर्माण करवाते रहे, गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं। उन्हें लाइसेंस विभाग की अनुमति बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर अवैध निर्माण उन्होंने करवाया है, ताकि उसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब देखिए, बीएमसी जो है वो सोनू सूद के ऊपर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है कि सोनू सूद को आदतन अपराध करने की आदत है। यानी कि सोनू सूद, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काफी गरीबों की मदद की और आज भी वो कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख के गरीबों की मदद करने का काम किया है, उनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी है, उनके ऊपर मंदिर बन चुके हैं। लेकिन बीएमसी जो ये आरोप लगा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो छवि बीएमसी की खराब हुई थी कंगना रनौत वाले मामले में, कहीं वो सोनू सूद के मामले में और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। और वहीं सोनू सूद ने कल मुलाकात की है एनसीपी के जो मुखिया है शरद पवार जी, उनके साथ मुलाकात की, उनसे ये कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरा नाम खराब करना चाहते हैं और मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। मैंने जो भी कागज लिए हुए थे वो प्रॉपर लीगल तरीके से लिए हुए हैं, और मैं जो भी काम करता हूँ वो सही तरीके से करता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम मैंने नहीं किया है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि बीएमसी, कोर्ट और सोनू सूद इस बारे में क्या निकल कर आता है। क्या सोनू सूद के सपनों के ऊपर भी बीएमसी हथौड़ा चला देगी या नहीं चलाएगी? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।